एक पुलिस अफसर का तबादला होने से ग्रामीण दुखी हो गए और उन्होंने एसपी से गुहार लगाई है कि इस पुलिस अफसर का तबादला मत कीजिए, ये मामला देवास का है। देवास पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने देवास जिले के 4 थाना क्षेत्र के थाना प्रभारियों के प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत तबादले किए हैं, जिसके तहत कंटाफोड़ थाना प्रभारी हिना डावर को भी कंटाफोड़ से अन्यत्र थाना क्षेत्र में पदस्थ कर दिया गया है। हिना डावर के स्थानांतर को लेकर कंटाफोड़ नगरवासियों में नाराजगी जताई जा रही है। नगरवासियों का कहना है कि वर्तमान में थाने पर संख्या कम होने के बावजूद भी थाना प्रभारी के कार्य करने की शैली सर्वोच्च एवं उचित है। उन्होंने कम समय में कई बड़े कठोर कार्यों को अंजाम दिया है। ऐसे में हिना डावर के स्थानांतरण को रोकने के लिए आमजन को पुलिस प्रशासन को ज्ञापन देना पड़ा। मामला यह है कि जैसे ही कांटाफोड़ में मालूम पड़ा कि हमारा वर्तमान थाना प्रभारी श्रीमती हिना डावर जी का स्थानांतरण यहाँ से और कहीं कर दिया गया है, वो खबर लगते ही पूरे कांटाफोड़ में और क्षेत्र में शोक की लहर छा गई, क्योंकि मैडम की कार्य प्रणाली से पूरे क्षेत्र की जनता संतुष्ट है, चाहे बड़ा से बड़ा हो चाहे निम्न स्तर का छोटा से छोटा व्यक्ति हो। और पहली बार ऐसा देखने में मिला है, हर जगह जनता पुलिस के विरोध में समर्थन पर उतरी है, पर पहली बार मैडम का कार्यकाल और कार्यशैली ऐसी है जिसमें कि कोई थाना प्रभारी के समर्थन में नगर और क्षेत्र की जनता उतरी है। हमारा एसपी साहब से एक ही निवेदन है कि हमारे थाना प्रभारी को यथावत रखा जाए। हम सब उनसे बहुत अच्छी तरह से संतुष्ट हैं और कांटाफोड़ में क्षेत्र और शांति और सौहार्द बना रहे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।